क्या? अच्छा चलिए हम दरवाजा खोल देते हैं। अभी पापा का आने का टाइम हो गया है। बच्चे पहले से ही है जयकार मना रहे हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। तो ऊपर लॉक करके ना मैं इधर उधर थोड़ी रह भी जाती हूँ, तो टेंशन नहीं रहता है कि बच्चे कहीं बाहर ना निकल जाए। अभी नहीं जाइए बेटा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ सत्तू पराठा और आलू बैंगन की सब्जी, जिसमें मैं ना सरसों लहसुन का मसाला डालूंगी। ये रहा मेरा सत्तू का मसाला है, जो धनिया पत्ता, नींबू, मिर्च, अदरक, लहसुन। और ये रहा मेरा सब्जी मसाला जो मैं डालूंगी। तो मैंने कुछ सूखे लाल मिर्च रख दिए हैं पीस के रखने के लिए, वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो आप देख सकते हैं मेरे आलू एकदम से फ्राई हो गए हैं। उसमें मैंने ना सरसों डाला था, आलू फ्राई होने से पहले फ़ोरन में चटका लिए थे मैंने सरसों और मेथी। और यहाँ पे मैं जो गीला मसाला रखी हूँ वो पहले आपको सो कर दिया था, सरसों, लहसुन और कुछ सूखे लाल मिर्च थे। और यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर, नमक, बस और कुछ नहीं डालूंगी। और इनको ना अच्छे से चलाते हुए भूनना है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जो हर वीडियो में कहती हूँ, जब भी सरसों लहसुन का मैं कभी भी कुछ सामान बनाती हूँ, तेल छूटने तक नहीं, तेल सूखने तक भुनिएगा। वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सरसों के मसाले वाले जो भी होते हैं, सब्जी वगैरह, या फिश बनाओ तब भी, या सब्जी बनाइए तब भी। और साइड में साथ साथ कर रही थी मसाले की तैयारी। तो मैंने ना 2 इंच के करीब लिया था अदरक, और थोड़े से मेरे हरी मिर्च थे, लहसुन था छिलके, उसको बस ऐसे ही मिक्सर जार में ना बिना पानी का मैं ऐसे ही चला ली हूँ। और सत्तू में मैंने ना वो अजवाइन, कलौंजी, सरसों तेल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो, नींबू डालूँगी, धनिया पत्ता डालूँगी उसमें, प्याज डालूँगी, 2 प्याज। मैंने प्लेट में पहले नहीं रखा था, बट आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, उसको मैं बारीकी चॉप कर लूँगी। अगर आपको तीखा पसंद है तो इसमें और मिर्च ऐड कर सकते हैं, बट मुझे बच्चों को भी खिलाना रहता है, इस वजह से हम लोग ना थोड़ा सब्जी बना लेते हैं उस दिन, थोड़ा अच्छी सी ग्रेवी वाली, थोड़ी तीखी सी। बट मैं सत्तू पराठा का सत्तू जो होता है सो नॉर्मल बनाती हूँ। ऐसे आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मार्केट के सत्तू कचौड़ी जैसा टेस्ट आएगा। थोड़े से चाट मसाला और रेड चिली पाउडर आप ऐड कर लीजिएगा। तब तक देख सकते हैं मेरे मसाले भी भून के रेडी है। इसमें मैं डाल दूंगी बैंगन, साथ साथ इधर चॉप हो गए हैं प्याज। बैंगन को थोड़ी देर मसाला और आलू के साथ भूनने के बाद ना इसमें डाल दूंगी पानी, क्योंकि मेरे मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुने हुए हैं, आलू भी पकी हुई है, लेकिन बैंगन जो है थोड़ा सा हो जाए, थोड़े से मतलब भून जाए, तब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ये मसाले वाली सब्जी थोड़ी ग्रेवी वाली बनती है। तो देख सकते हैं 2-4 मिनट भूनने के बाद ना बैंगन गल गया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी 2 टमाटर, ऐसे ही रफली चॉप करके मैं डाल दूँगी, और थोड़े से चलाने के बाद उसके बाद मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी। काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है, आप ज़रूर डालिएगा इसमें। अगर अपने अनुसार आप, अगर टमाटर है तो टमाटर डालिए, वरना आप अचार भी डाल सकते हो, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। सरसों मसाले में ना थोड़ी सी खटाई का टेस्ट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है उसका, तो आमचूर पाउडर डालिए या अचार डालिए या टमाटो, टैंगी फ्लेवर, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि टैंगी फ्लेवर वाली सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बस ये ध्यान रहे कि बैंगन, आलू पके हुए हो तब वो सामान उपयोग करें, आप आमचूर हो या आम हो, जो भी हो, क्योंकि वो पकने नहीं देता है। खट्टा खट्टा अगर कोई भी सामान आप पहले डालते हो तो वो कच्चा रह जाता है सब्जी वगैरह। तो इसको ढक के मैं ना आराम से 20 मिनट तक होने दूंगी लो फ्लेम पे। तब तक मैं कर लूँगी झटपट मसाले की तैयारी और सेक लूँगी सत्तू पराठा। तो साथ साथ देख सकते हैं मेरा आटा गूंथ के रेडी है, मसाला वगैरह मैं तैयार करके साइड रखी हूँ। इसमें मैं डालूँगी एक सीक्रेट चीज़, वो रहा जो मैं डालूंगी 2 चुटकी के करीब, ये है खवा सोडा। बेकिंग पाउडर का डब्बा है बट ये खवा सोडा है। जिन घर में बच्चे बुजुर्ग हैं, अगर सिका हुआ पसंद करते हैं तो ऐसे बनाइएगा, ज़रूर वो आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनती है। और ख़ास करके इनको मुझे टिफ़िन में देना है, तो सिका हुआ लिट्टी ना थोड़ी देर बाद आप लोग बनाते होइएगा तो देखते होइएगा, वो बहुत टाइट हो जाते हैं ठंडे होने के बाद। बट ऐसे आप अगर ट्रिक अपनाइएगा, मेरी वाली ट्रिक, तो बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगी। तो ऐसे ही खींच खींच के ना 2-4 मिनट तक गूँथ लेना है, जब तक आपस में आटे कम मतलब मिक्स नहीं हो जाए वो खवा सोडा जो है। मैंने तो ऐसे ही डाल के मिक्स कर लिया था, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है 2-4 मिनट तक, और उसके बाद मैं सेकूंगी लिट्टी। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है फ्राई लिट्टी, ये बिल्कुल नहीं खाते हैं, इनको बस सिका हुआ, घी लगाया हुआ बहुत पसंद है। तो चलिए बनाती हूँ झटपट। तुम
कितनी हेवी बारिश हो रही है आप देख सकते हैं। क्या कर रहे हो बेटा? चलिए ना बेटा खाना खा लेते हैं हम लोग। यस, तुम क्या बनोगे बड़े होके? क्या बनोगे? क्या टॉम बनोगे? नहीं, एरोप्लेन उड़ाने के लिए बेटा तो हमको पायलट बनना होता है। तो क्या बनोगे बताओ जल्दी फटाक से बताओ। मैं बनूंगा एक पायलट। क्या बनोगे? फिर से बोलो, फिर से जोर से बोलो। पायलट बनना है? क्यों क्यों, क्या उड़ाना है? पायलट बन के क्या करोगे? अच्छा, लव यू बच्चा। ए बिटवा जी, लव यू। और मेरा किंगशन, ए मेरा किंगशन। ठीक है, ठीक है बेटा, एरोप्लेन उड़ाओ। लेकिन टेडी बियर का क्या हाल किए हो तुम लोग, उसको सिलना होगा फिर से। चलो, चोट लगी है तो डॉक्टर की जरूरत है। तो ले चलो उसको डॉक्टर के पास। ये मेरे कपड़े रखे हैं सूखे हुए, उनको फोल्ड करना है। तो चलिए पहले खा पी के आते हैं। हाँ, क्या तो डॉक्टर तो है नहीं बैठे हुए? कहाँ है डॉक्टर? अपनी सीट पे तो है नहीं। तो बन जाओ डॉक्टर, चेकअप कर दो। दवा नहीं दिए हो? दवा दे दो उसको खाने के लिए, सिरप दे दो, टैबलेट्स दे दो। सब अपना मिल्क शेक एंजॉय कर रहे हैं। नहीं बउआ, क्या है? कितना एक्साइटेड है बेटा। पाइप पकड़ के लो मुंह में, पकड़ लो मुंह में ले जाओ। बाप रे, बच्चा को कितना कष्ट हो रहा है। कितना फास्ट जो भी पीता है, देखते हैं कौन जल्दी पीता है। नहीं, दीदी जीतेगी, दीदी का कंप्लीट है। दीदी जीतेगी लगता है। रेडी स्टेडी खाने से कुछ नहीं। अगेन वेलकम आप लोग का। कैसे हैं आप सब? क्या बिटू, क्या पापा नहीं खोले? क्या तुम दरवाजा खोलो? अच्छा चलिए हम दरवाजा खोल देते हैं। अभी पापा का आने का टाइम हो गया है। बच्चे पहले से ही हैं, जयकार मना रहे हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। तो ऊपर लॉक करके ना मैं इधर उधर थोड़ी रह भी जाती हूँ, तो टेंशन नहीं रहता है कि बच्चे कहीं बाहर ना निकल जाए। अभी नहीं जाइए बेटा, शाम का टाइम है, मच्छर बहुत आता है। और यही है, तो मैं अभी ना खीर बना रही थी, देख सकते हैं 6:15 से ज़्यादा हो रहा है, 20 समझ सकते हैं, 20 के आसपास है, 6:20 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं खीर बनाई हूँ, मेरे दूध बचे हुए थे कल के, तो उसी में मैंने चावल गिरा दिया था कि सारे लोगों को हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। चावल का खीर है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं बैक कैमरे से अच्छे से दिखा रही।
तो ये मैंने बनाया चावल का खीर। लाल हो जाते हैं दूध तो बाबू लोग नहीं पीता है, तो कुछ डिजर्ट वगैरह का रूप दे देती हूँ मैं ऐसे। और मैं बनाऊंगी जो सुबह मैं आप लोग को दिखाई हूँ, ये मेरे दूध है ऐसे, तो वही खीर बनाई थी। और रात में जो सुबह मैंने सत्तू का मसाला जो बनाया था वो लिट्टी सेक लूंगी। सेका हुआ ही इनको ज्यादा पसंद है तो मैं वैसे ही सेक लेती हूँ ताकि सॉफ्ट रहे। मैंने जो आटा दिखाया था सुबह सुबह, तो वही सत्तू पराठा लिट्टी यही रहेगी रात के खाने में। ये आते ही होंगे ड्यूटी से। लाडो पढ़ना नहीं है बेटा, चलो ना पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बच्चे के साथ पढ़ना पड़ता है तब बच्चे पढ़ते हैं। बउआ पढ़ना नहीं है बेटू? नहीं, पढ़ाई के नाम पे रुला ही आता है। जिगर तुमको पढ़ना है बेटा? मैजिक कर रहे हो? कैसे मैजिक कर रहे हो? दिखाओ। और यहाँ ना काफी बारिश हो रही है, लगातार दो चार दिन से बारिश हो ही रही है, मतलब छूटी नहीं है बारिश। खाना खाते ही नहीं हो? तुम खाना खाते ही नहीं हो तो मैजिक कहाँ से आएगा बताओ? देखो भैया कबार, देखो अय्या। अच्छा ये ऐसे तो कुछ लग रहा है कि तुम फिश पकड़ रहे हो। हाँ। क्या कर रहे हो बताओ, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर फिश पकाऊं क्यों, ज्यादा नहीं। आज मामा जी की तरफ से क्या सरप्राइज है बेटा? लाडो के लिए आया है ढेर सारा पिज्जा। नहीं बहुत है, ढेर सारा पिज्जा। मामा जी की तरफ से सरप्राइज है। नहीं हाँ? तो चलिए खाते हैं गरम गरम पिज्जा। हाँ क्या बेटा? मामा जी की तरफ से है लाडो के लिए ट्रीट, और जिगर के लिए नहीं है ना, तो चलिए खाते हैं। वो है रखा हुआ, चलिए तो खाते हैं। ये रहा लाडो और जिगर का ट्रीट, उसी बहाने हम लोग का भी हो जाएगा। उसके मामा जी की तरफ से था, जोमेटो बॉय दे गया था, तो मैंने ना बाहर ही इसको डिसइंफेक्ट कर लिया था और अंदर लेके आई हूँ अभी। बाहर मतलब कर लिया था स्प्रे से अच्छे से, थैले पे, थैले के अंदर जो भी करना था, उसके बाद मैं करूँगी सर्व। लाडो बहुत खुश है क्योंकि उसके मामा जी उसे बहुत प्यार करते हैं, और ये जो ट्रीट है हमेशा लाडो का बन चलता रहता है, मतलब हमेशा उसको मिलता रहता है। तो मैं इस पे भी एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि मैं कितने भाई बहन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे, वो जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं मायके भी कोशिश कर रही हूँ कि जाऊँ मिलूँ। और बाबू को ना ये सब पिज़्ज़ा वगैरह उतना पसंद नहीं है, वो कम खाना पसंद करता है, खाना क्या खाना ही नहीं चाहता है। बट थोड़ा सा ब्रेड वगैरह मैं उसका टॉपिंग हटा के दूंगी तो थोड़ा बहुत खा ले। देख सकते हैं जितना जल्दी काटा है उतना ही जल्दी उगल भी दिया है, क्योंकि उसको ये सब ना मसाले वगैरह का टेस्ट उसको अच्छा नहीं लगता है। और क्या बताऊँ, लाडो को बहुत अच्छा लगता है, उसकी मम्मा को भी अच्छा लगता है, इसके पापा भी मतलब ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ले लेते हैं बट उनको उतना अच्छा नहीं लगता है। और आराध्या बहुत खुश है, मामा जी को अपने थैंक यू भी बोल रही थी कि फ़ोन भी की है, बात भी की है। थोड़े से रूठ गई थी मामा जी से, तो मामा जी उसको मनाने के लिए, मतलब मेरे भैया जो हैं उसको मनाने के लिए ये ट्रीट था उनके तरफ से। तो ये लीजिए आप लोग भी खाइए, यमी टेस्टी पिज़्ज़ा, बहुत टेस्टी था। थैंक यू मामा जी। दे रहा चलिए तो करते हैं ब्लॉग का यहीं पे एंड, और आप लोग से मिलते हैं दूसरे वीडियो ब्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।